हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आप सबकी फेवरेट रसमलाई। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले 1 लीटर गाय का दूध और 1 लीटर फुल क्रीम दूध। हम सबसे पहले गाय का दूध उबाल लेंगे। हमें इसे ज्यादा नहीं उबालना है, हम थोड़ा सा दूध निकाल लेंगे। दूध को निकालने के बाद हम इसमें केसर के धागे डाल देंगे और उसे साइड में रख देंगे। फिर हम दूध को चलाते हुए फुल क्रीम दूध को चलाते हुए उबाल लेना है। फिर हम गाय के दूध को भी उबाल लेंगे। उबालने के बाद हम दूध को फाड़ लेंगे। फाड़ने के लिए मैंने नींबू का जूस लिया है, आप विनेगर भी ले सकते हैं। हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल लेंगे। अगर हम इसे एक साथ डालते हैं तो यह अच्छे से फटेगी नहीं, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। यह हमारा दूध अच्छे से फट गया है। देखिए, पानी अलग और छेना अलग हो गया है। अब हम छेने को निकाल लेंगे। हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और उस पर एक कॉटन का कपड़ा रख देंगे और छेने को छान लेंगे। हम इसे अच्छे से निचोड़ के इसका सारा पानी निकाल लेना है। हम इसे ऐसे ही रख देंगे कि सारा पानी निकल जाए। फिर हम फुल क्रीम दूध को अच्छे से उबाल लेंगे। हम इसे तब तक उबाल लेंगे जब तक दूध की क्वांटिटी हाफ ना हो जाए। फिर हम एक पैन में 1.5 कप चीनी ले लेंगे। फिर हम इसमें 3 कप पानी डाल देंगे, उबलने देंगे। ये हमारे छेने से सारा पानी निकल गया है। अब हम इसमें पानी डाल कर छेने को अच्छे से धो लेंगे ताकि हमारा नींबू का टेस्ट निकल जाए। हम इसमें 3 से 4 कप पानी डाल लेंगे। डालने के बाद हम इसका पानी निचोड़ लेंगे, पानी को अच्छे से निकाल लेंगे। फिर हम छेने को एक थाली में निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि छेना सॉफ्ट हो जाए। छेना सॉफ्ट हो गया है। अब हम छेने को रोल कर लेंगे। फिर हम दूध में 1 कप चीनी डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें केसर वाला दूध डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें 1 पिंच इलायची पाउडर डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें 2 चम्मच बादाम और 1 चम्मच पिस्ता डाल देंगे। आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। इसे डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम चाशनी में छेने वाले रोल को डाल देंगे। हम एक बार में एक एक करके डाल लेंगे। फिर हम इसे ढक के 10 मिनट पका लेंगे। हमारा छेना अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम इसे निकाल कर सर्व कर लेते हैं। यह हमारा एकदम सॉफ्ट रसमलाई रेडी हो गई है। इस पर ड्राई फ्रूट्स डालकर हम इसे गार्निश कर लेते हैं। देखिए, ये लग रहा है ना एकदम बाजार जैसी रसमलाई। आप भी एक बार इसे जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।